आज भारतीय जनता पार्टी मंडल भिवाड़ी में भाजपा कार्यालय अलवर बाईपास पर जिला महामंत्री संदीप दायमा जी मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान के नेतृत्व में दिल्ली से अलवर जाते समय भिवाड़ी पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी का पार्टी पटका माला एवं बुक्का देकर किया सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत, जिसमें उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष दक्षिण संजय नरुका जी, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा जी, सुरेश मेहता जी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा पूजा यादव जी, प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा अयूब खान, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय सिंह विधूड़ी, मनोज यादव, कमल यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र खटाना, मंडल महामंत्री कंचन तिवारी, सुरेश तंवर, उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता, पदम शर्मा, इंद्र मंच मंत्री करुणा शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, रमेश यादव, महिला मोर्चा संयोजक शीला चौहान, युवा मोर्चा संयोजक दयानंद कराना, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष वीरपाल चंदेला, किसान मोर्चा अध्यक्ष इंद्राज विधूड़ी, एससी मोर्चा अध्यक्ष राजेश जाटव, शक्ति केंद्र संयोजक रमेश शर्मा, उदय नारायण तिवारी, पार्षद जगदीश कृष्णगी, विधूड़ी भीम की जोड़ी सतीश दायमा, नवनीत तिवारी, अजीत खटाना, नरेंद्र दायमा, डीपी मित्तल, एमपीएस वेद प्रकाश यादव, राजेंद्र दायमा, प्रखंड अध्यक्ष विपिन मनोज स्वामी, बिल्लू नंदरदार, रजनीश सिंह, करण दायमा, सुरेश त्यागी, अभिषेक मिश्रा, दिनेश यादव, अक्षय दायमा, सुरेंद्र कराना, भावेश शर्मा, अनिल सिंह आदि काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तक उनकी जब सरकार आती है, सरकार से जब बाहर होते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। पहली बार जब विपक्ष में आया जब 56 थी, दूसरी बार जब आई 21 थी, इसमें 35 सीटों का फर्क है। अगली बार माइनस में ही होगा। भाजपा में भी गुटबाजी को लेकर करती रहती है, बारे में क्या? बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं, सब पार्टी के अनुशासन से। मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को? मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा। अभी तो कांग्रेस को 2023 में राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करना है, केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा। अशोक गहलोत ने बयान दिया है वसुंधरा रिफाइनरी लेट होगी, इस बारे में क्या कह रहे हैं? उनकी सबकी हताशा और निराशा है। राजस्थान में पिछले 50 वर्ष शासन करने का मौका मिला, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान की जो हालात है वो किसी से छुपी नहीं। राजस्थान में विकास जब जब बीजेपी की सरकार आई है, भैरव सिंह जी से लेके वसुंधरा जी तक के शासन काल में राजस्थान में बुनियादी विकास को गति मिली है। अनेक योजनाएं लागू हुई, वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिला। 70,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, 20,000 करोड़ रेल में खर्च हुए, 13 लाख आवास बने प्रधानमंत्री।